रहा है कि सीधा कम्युनिकेट कर दिया गया है कि या तो हार्दिक पांड्या की कप्तानी में आप खेले नहीं तो टीम में जगह नहीं बन सकती, या फिर रिलीज भी करना पड़ेगा। ये हमारे सोर्सेस अब इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को रिलीज कर सकती है। सुनने में विश्वास नहीं होता, लेकिन सारे इशारे इसी तरफ लेके हमें जा रहे हैं, बिकॉज उनका पर्स भी इतना ज्यादा नहीं है मुंबई इंडियंस का। हार्दिक पांड्या के लिए 15 करोड़ रुपए दिए हैं, ऊपर से बहुत सारे पैसे और दे दिए हैं। जब इतना कुछ करके उनको लेके आ रहे हैं, इतना पैसा दांव पे लगा दिया है, तो कप्तानी भी हार्दिक पांड्या की ही देख रहे हैं मुंबई इंडियंस। तो अगर कप्तानी हार्दिक पांड्या करेंगे और रोहित शर्मा उनके अंडर नहीं खेलना चाहते, तो एक ही ऑप्शन रह जाती है कि मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को रिलीज कर देंगे। रोहित शर्मा कौन सी टीम में जा सकते हैं, या रोहित शर्मा ऑक्शन में जा सकते हैं? बिकॉज देखिए, ऑक्शन में जाने से पहले इतने बड़े खिलाड़ी हैं, बात हो जाती है, फ्रेंचाइजेस का फोन आ जाता है, ओनर्स का फोन आ जाता है कि आप कोई बात नहीं, वहां से इधर आ जाइए। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यही है कि हो सकता है कि मुंबई इंडियंस फाइनली रोहित शर्मा को रिलीज कर दे। सुनने में अजीब सा लगता है पांडे जी, लेकिन उनके पास ऑप्शन नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ना उनसे निगला जा रहा है, ना उनसे उगला जा रहा है। वो करे तो क्या करे, हर एक आधे घंटे में कुछ ना कुछ अपडेट आती है। देखिए, कल है 26, 4 बजे से पहले पहले उनको डिसीजन लेके यहां पर अनाउंस करना होगा। हार्दिक पांड्या के ऊपर 15 करोड़ और ट्रांसफर फी, जिसका 50% हार्दिक को गया है, 50% गुजरात टाइटंस को गया है, और वहां पे चेकबुक खोल दिया। आपको मैंने बताया था अंबानी साहब ने कि मुझे हार्दिक पांड्या चाहिए, किसी कीमत पे चाहिए। हालांकि ये भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि बहुत बड़ी सुसाइडल मूव है, डिजास्टर मूव है मुंबई इंडियंस के लिए। गुजरात टाइटंस को कोई, बहुत लोग बोल रहे हैं गुजरात टाइटंस का क्या होगा, भाई उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके लिए सब सही है। जो एनालिस्ट बोल रहे हैं गुजरात टाइटंस का नुकसान हो गया, उनको बिल्कुल प्रॉफिट हुआ है। और अब हम इस ब्रेकिंग पे आ गए हैं कि रोहित शर्मा शायद मुंबई इंडियंस से रिलीज हो जाएंगे, बिकॉज हार्दिक की कप्तानी में वो खेल नहीं सकते, हार्दिक उनकी कप्तानी में खेलना नहीं चाह रहे। हार्दिक को इतना पैसा देके लेके आ रही है मुंबई इंडियंस, तो ऑब्वियसली भैया आप तो राजा बन के आ रहे हैं, आपकी तो सारी मांगे स्वीकार होंगी। तो सोर्सेज ये इंडिकेट कर रही है कि मुंबई इंडियंस शायद यहां पर जो सबसे बड़ी गलती होगी उनकी, कि शायद यहां पर रोहित शर्मा को ही रिलीज कर दे। अगर हम उनका रोस्टर देखें, 16 करोड़ रुपए के रोहित शर्मा है, 15 करोड़ रुपए हार्दिक पांड्या के लिए ऑफिशियली दे रहे हैं, ऑब्वियसली मैंने बताया कि पीछे से भी दे रहे हैं, 16 करोड़ रुपए रोहित शर्मा। और सिर्फ रोहित शर्मा से नहीं बनेगा ना। आप ये तो देखो, ये बुरी तरह फंस चुकी है मुंबई इंडियंस। अब वो रोहित शर्मा को रिलीज करे, अब वो जोफ्रा को रिलीज करे, वो कैमरन ग्रीन को रिलीज करे, वो डेवाल ब्रेविस को रिलीज करे, उनके पास इतना पैसा तब भी नहीं आएगा। उनको बहुत प्लेयर्स को रिलीज करना पड़ेगा, तब जाके उनके पास इतना पैसा आएगा कि ऑक्शन में जाके कोई वो ढंग के प्लेयर खरीद पाए। तो भाई ढंग के प्लेयर पहले ही जो है उनको छोड़ के नए वाले लाओगे, इतनी जल्दी तो टीम नहीं बनती। हार्दिक भी कोई आके चमत्कार तो कर नहीं देगा, और हार्दिक की तो फिटनेस भी सस्पेक्ट रही है। लेकिन सुई हार्दिक पे अटकी हुई है, हार्दिक की सुई कप्तानी पे अटकी हुई है। हार्दिक 2024 में इंडिया की कप्तानी भी करेंगे T20 में, ऑलरेडी हार्दिक कैप्टन बन चुके हैं T20 फॉर्मेट में, स्टेलमेट हो गया है, यहां पर कोई भी पार्टी बच नहीं कर रही है। एबी डिविलियर्स ने भी अभी बोल दिया है कि उनको यह लग रहा है, उन्होंने यह बोला है कि भाई मुझे यह लग रहा है, जितना पता चला है, कि रोहित शर्मा शायद हार्दिक पांड्या को कप्तानी करने देंगे। और एक ही ऑप्शन बच गई है रोहित शर्मा के पास, कि वो दूसरी टीम तलाश कर ले। जो पहली ऑप्शन है वो तो आपको बता ही दिया कि भैया हार्दिक पांड्या की कप्तानी में आप खेल लो। क्या वो रोहित शर्मा को स्वीकार है? क्या रोहित के फैंस को वो स्वीकार है? क्या मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइज को? मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइज तो कह रही है, उन्होंने तो वहां से पहले ही डील डन कर रखी थी हार्दिक के साथ कि हम तो हार्दिक को लेके आ रहे हैं। अब रोहित शर्मा को पता चला कि भैया हार्दिक आ चुका है,
अब आपका डिसीजन क्या है, क्या आप हार्दिक की कप्तानी में खेलेंगे? वो तो कैप्टन करेगा, क्या आप हार्दिक की कप्तानी में खेलने के लिए तैयार है या किसी और फ्रेंचाइज में जाने के लिए तैयार है? फुल स्क्रीन पे आ जाइए, रोस्टर तो आपको 50 बार दिखा दिया। 16 करोड़ रुपए मिलता है मुंबई को अगर रिलीज करते हैं रोहित को, और मुंबई बुरी तरह फंस गए भाई। आपने एक बिजनेस डिसीजन लिया, आपने पहले ही अपमान तो कर चुके हैं आप रोहित शर्मा का, आपने पहले ही हार्दिक को लाके डील डन करके वापस उनको लाके, या तो आप रोहित को कप्तान रखते तो अलग बात थी, अगर रोहित कप्तान रहे तब तो बात है, लेकिन अभी यह समझ में आ रही है पांडे जी जो ब्रेकिंग हम दे रहे हैं आपको, और कल से लगातार सबसे पहले स्पोर्ट्स यारी पे सारी ब्रेकिंग मिली है। हाँ। अब यह लग रहा है जितने सोर्सेस बता रहे हैं कि हो सकता है कि मुंबई इंडियंस कहीं रोहित शर्मा को ही छोड़ दे, अल्टीमेटम दे चुके हैं। अगर आप देखो ना जिस